हेलो, वेज फूड पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रोकली स्टफ पराठा। इसके लिए चाहिए एक कप आटा। आटे में एक चम्मच नमक डालकर पानी की मदद से उसे गूंथ लेंगे। आटे को इस तरह गूंथना है कि बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और उसके अंदर स्टफिंग हम भर सकें। ब्रोकली को छोटे फूलों में काटकर उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डालेंगे। अब एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा सुनहरा होने पर उसमें दो हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे और अदरक का पेस्ट डालेंगे। कढ़ाई में ब्रोकली डालेंगे और उसको 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच। आटे के गोल छोटे छोटे पेड़े बना लें। एक पेड़ा लें, अब इसमें स्टफिंग रख दें। स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए जिससे कि वो बाहर निकल जाए। और अब इसकी एक लोई बना लेंगे। लोई को आटे में लगाकर अब इसको फिर से हाथ से बढ़ाएंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथ से इसको बेलना है और मोटा ही रखना है। बेलना इस तरह है जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। रोटी को चकले से उठाकर हाथ में इस तरह बढ़ाएंगे कि उसका सूखा आटा झड़ जाए और तवे पर डाल। जब रोटी का रंग बदल जाए तब उसको हम पलट देंगे और घी लगाना शुरू करेंगे। जब एक तरफ से घी लग जाएगा तब पलट कर दूसरी तरफ से लगाएंगे। बाकी पराठे बनाने के लिए भी इसी प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे। इस पराठे को आप दही या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और नाश्ते में खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।